बातचीत एक जगह पर रुका हुआ है, कंफर्म करो। मुझसे 2.5 मील की दूरी पर है, 17,000 फीट की ऊंचाई पर। कॉपी दैट टॉम, मैं कह नहीं सकता कि वो क्या था, क्या आपने उसे नहीं देखा? नहीं देख पाया। ठीक है, मैं फिर से राउंड करता हूँ। सभी यूनिट्स ध्यान दें, हमें इलाके में मूवमेंट का पता चला है, अपनी नजरें बनाए रखिए, हम कभी भी एक्शन ले सकते हैं। जी सर, हम सब तैयार है, इसी तरह हम जोश को बनाए रखें, हमें इसी की जरूरत है। तुम्हारे पीछे आता हूँ। आज ड्रिंक तुम पिलाओगे, शहर में मिलते हैं। आसपास के इलाके में हरकत दिखी है। ठीक है, नजर रखिए। आगे बढ़ते रहो। हमें 3 सिग्नल मिल रहे हैं सर। ठीक है, ड्राइव करते रहिए। हमें और लोग चाहिए होंगे। हाँ, मिल जाएंगे। सेक्टर 3 के लिए बैकअप भेज रहे हैं, वो जल्दी ही पहुंच जाएंगे। इलाके में भारी गतिविधि कंफर्म की जाती है, सभी को चौकन्ना रहने की जरूरत है। सारे सिस्टम्स ऑनलाइन। घबराओ मत। हमें आगे बढ़ना होगा, सभी सिस्टम ऑनलाइन। आगे बढ़ो, पैसे टीम की तरफ। Thank you.
हे, अब तुम्हारी बारी है। ये एनक्रिप्टेड हो सकता है और नहीं भी। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। 836, 14.5, नहीं ये तो जुपिटर है। और ये लियो से नहीं है। मिल गया। वाह, तुम तो बड़े तेज निकले आइज़ैक। 1854, 42.8, नेगेटिव 21.2 और 20.2। ये प्लूटो के बिल्कुल सामने था। ये तो कमाल है। लेकिन ये मैं नहीं हूं। क्या? मैं बताता हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? ये सिग्नल कनाडा से आ रहे हैं। अच्छा, ये तुमने नहीं भेजा? नहीं, यही तो वो सिग्नल है जो कनाडा से है। और हमें ये सिग्नल बार बार मिल रहे हैं, लेकिन वहां कोई सैटेलाइट नहीं है। और अब तो एक खेल सा शुरू हो गया है जिसमें मैं एक आवाज भेजता हूँ जिसे वो ढूंढ लेता है, फिर वो भी ऐसा ही करता है। हम कनेक्टेड हैं। अब मैं एक कदम आगे हूँ। हमारे सैटेलाइट के जरिए? हाँ। मुझे सैटेलाइट नहीं दिख रहा। कसीनी से भेजकर देखें क्या? देख लो। पेजर पर मैसेज किया गया है, ईटी को फोन लगाओ। ईटी जरा घर पर फोन लगाओगे? तुम्हारा काम कब का हो गया? क्या हो गया? साइंस क्लास में सीखा था कि मुस्कुराने के लिए 10 मसल्स लगते हैं, लेकिन उदास होने के लिए सिर्फ 6। तुम इसे वापस क्यों नहीं ले लेते? मैं ऐसा नहीं कर सकता। अभी भी देर नहीं हुई है। या फिर जल्दबाजी होगी? इसका क्या मतलब है? मेरा मतलब, मुझे शायद अभी और समय चाहिए। शायद आखिर में मैं उसके पास जाऊंगा, लेकिन अभी मेरे दिमाग में दूसरी चीजें हैं। जैसे कि? देखो, तुम शारीरिक तौर पर अब ठीक लग रहे हो। तुम ऐसा कुछ करो जिससे तुम्हें खुशी मिलती हो, जैसे तुम्हें कैमरा यूज करना पसंद है। अगर तुम वीडियो डायरी बनाओ तो उससे तुम्हें बेहतर महसूस होगा। तो बस रोजाना सिर्फ 5 मिनट, जब तुम सिर्फ अपने कैमरे के साथ होगे, तब अपनी फीलिंग्स शेयर करना जैसे लोग अपनी डायरी में। क्या कहा, डायरी? ये पागलपन लग सकता है, लेकिन कुछ स्टडीज के मुताबिक तो ये तकनीक बहुत फायदेमंद साबित हुई है। अपने अंदर की बातों को बाहर निकालने का ये अच्छा तरीका है जिससे तुम हल्का महसूस करोगे। हाय, सब कैसे हैं? मैं आइज़ैक साइप्रस, लॉग नंबर 46। 30 लाइट ईयर्स और चाहिए होंगे। पता नहीं यूनिवर्स में कुछ मिलेगा या नहीं, लेकिन मुझे फक्र है कि मैं पृथ्वी पर रहता हूँ जहाँ इंसानियत बसती है। और अब इससे ज्यादा क्या कहूँ। पता नहीं मैं किससे बात कर रहा हूँ। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो बताओ क्या चल रहा है। माँ, आई लव यू। डेरिल, मुझे माफ करना। 6 अरब लाइट ईयर्स में तो चीजों को लेकर सबका नजरिया बदल ही जाता है। हेलो डैड, मैं सोच रहा था कि अगर हम किसी और यूनिवर्स में मिल सकते हैं जहाँ आप अभी भी जिंदा हो, और सोच रहा हूँ कि आपसे दोबारा मिल पाता तो क्या कहता।
अगर आप जान पाते कि मैं कौन हूं, मतलब आपके उस रूप को पता होता मैं कौन हूं। और मुझे आपकी कमी महसूस होती है हमेशा। तो आज मैं पहाड़ी की चोटी पर आ चुका हूं, मुझे 2 घंटे लगे हैं, तो वापसी के वक्त किसी से लिफ्ट ले लूं। उम्मीद है कि कोई खूबसूरत लड़की मुझे लिफ्ट दे दे। अगर पिकअप ट्रक दिखा तो उनसे भी लिफ्ट मांग सकता हूं। प्रेजेंटेशन लाजवाब था। अब हम अपने मिलेनियम 2 प्रोजेक्ट में अच्छी प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। मैं डींगे नहीं मारना चाहता, लेकिन ये स्लाइस ब्रेड के बाद सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ, अगर स्लाइस ब्रेड सच में लोगों को मंगल पे ले जा सकता है, तो मैं तो ये सोच के बहुत खुश हूँ कि वो
कल लॉस एंजलिस के आसमान में एक धुआं छोड़ता हुआ उल्का पिंड साफ तौर पर देखा गया। कैलिफोर्निया के स्टेट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर गैरी बाल्मर मानते हैं कि इस अंतरिक्ष चट्टान की उत्पत्ति मंगल और बृहस्पति के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट से हुई है। टकराने के स्थान की अभी पुष्टि होनी। ओके गाइस, सबको काम पर लगना है, हमें दो दिन तक जितनी हो सके सैंपल इकट्ठे। आइज़ैक कहाँ है? पता नहीं, हमने तो उसे सुबह से नहीं देखा।
तुम्हें डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स हैं, इसलिए तुम कुछ दिन के लिए आराम करो और तुम्हें पानी बहुत पीना है। हालांकि तुम्हारे हाथ के एक्सरे में बहुत ही अजीब चीज दिख रही है। तुम्हारे हाथ में एक हल्का फ्रैक्चर है जो बाल के जितना बारीक और सीधा है, जो कि पूरी हड्डी में एकदम सीधा और सटीक है। अब ये देखो, ये एक आम फ्रैक्चर है, देखा तुमने? ये बिल्कुल भी सीधा नहीं है, तुम्हारे वाले से एकदम अलग। तुमने कहा था कि इससे पहले तुम्हें कभी फ्रैक्चर नहीं हुआ? नहीं। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे हाथ को एकदम सटीकता से काटा गया हो। अपना हाथ दिखाओ। ये तो कमाल है, किसी घाव का निशान तक नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा सुनो, हम तुम्हारे एक्सरे को और अच्छे से स्टडी करके तुम्हें अगले हफ्ते तक कॉल करके बताएंगे। सुनो बेक, तुम बिजी हो? बेक, वो आइज़ैक, व्हाट्स अप मैन, तुम कहाँ थे? मार्क तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा है। मुझे एक मिनट दोगे? तुम्हें कुछ दिखाना है। ओके। देखा, ये गायब हो गया। क्या ये ग्लास? हाँ ग्लास, और क्या? ये वाला ग्लास? क्या तुम ठीक हो? क्या तुमने नहीं देखा? क्या देखना था? तो तुम 5 मिनट से इसे घूर रहे थे और फिर नहीं, मैंने भी कुछ हो गया था, तुमने नहीं देखा? तुम ठीक तो हो? मैं तुम्हें कुछ और भी दिखाना चाहता हूं। ये क्या था? सैटरडे की बात है, मैं हाइक के लिए गया था। तो तुम कह रहे हो ये रियल है? तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? भरोसा है, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा। उस हिसाब से तो न्यूज में जो उल्कापिंड की बातें चल रही हैं, वैसे गायब कहां थे तुम इतने दिनों से? तुम्हारा मतलब कल? हाँ कल, और परसों भी तो हाइक पे था। नहीं तो वो शनिवार था और आज तो बुधवार है, तुम पूरे हफ्ते गायब रहे हो। कल रात मुझे सैंपल से कुछ और इन्फॉर्मेशन मिली। ओह हाय आइज़ैक, ये लो। मिट्टी का पीएच लेवल न्यूट्रल 7 है। मतलब कुछ नहीं मिला? नहीं, अब तक तो नहीं। मेरा मतलब उसके कुछ ना कुछ टुकड़े क्रेटर के अंदर तो मिलने ही चाहिए, कुछ नहीं मिलने का सेंस नहीं बनता। उस मिट्टी में तो आयरन और निकल के भी ट्रेसेस नहीं है। अगर उसमें वहाँ के एलिमेंट ज्यादा केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी के ना हो, तब तक हम उसे उल्का पिंड नहीं मान सकते। मलबा या कुछ और तो होना ही चाहिए था, और हमारे पास जो उसकी वीडियो है वो कुछ खास नहीं है। नहीं, मलबा भी राख हो चुका होगा। हमारे पास जो सबसे अच्छी वीडियो है वो किसी ने सेल फोन से ली है। बरेली वाली वीडियो? नहीं, किसी ने उसे साइंस मैगजीन पर पोस्ट किया है। ओह अच्छा। हाँ मैं दिखाती हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो हमें कुछ फोटोज पोस्ट करने दे। उनकी साइट को एक दिन में लाखों व्यूज मिल रहे हैं। हाँ अभी एक ही दिन हुआ है और देखो 10 लाख हो गए। हाँ वही तो।
अब ये कहाँ गया? अब पता नहीं। मैंने तुम्हें जो लिंक भेजी क्या वो तुमने देखी? नहीं। उस वीडियो को जरूर देखना। वो लड़का कहता है कि एलियंस ने उसे किडनैप किया था। वीडियो एकदम रियल लगती है। हेलो। हाय, क्या तुम आइज़ैक साइप्रस बोल रहे हो? हाँ, बोल रहा हूँ। या हाय, मैं क्रिस्टीन शेफर बोल रही हूँ KFLA चैनल से। हाय क्रिस्टीन। मैंने तुम्हारा वीडियो देखा जो तुमने ऑनलाइन पोस्ट किया है और मुझे इसमें बहुत दिलचस्पी महसूस हुई। मैं सोच रही थी कि क्या तुम हमारे न्यूज स्टेशन आ सकते हो ताकि हम मिलकर इस पर एक प्रोग्राम बना सके। हाँ श्योर, अभी काम के लिए निकल रहा हूँ, बाद में कॉल करूँ? ठीक है, मैं तुम्हें हमारे ऑफिस का पता भेजता हूँ। हाय आइज़ैक, मैं डेली बैंड से विंस प्राइस बोल रहा हूँ। मैंने तुम्हारा वीडियो देखा और इसलिए मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। क्या तुम तो जब हम लाइव होंगे मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन दूंगी और फिर हम वैसे ही बात करेंगे जैसे तय किया है। ओके, हम लाइव जा रहे हैं। 5, 4, 3, 2। गुड आफ्टरनून। आज हमारे साथ स्टूडियो में है आइज़ैक साइप्रस, जिनकी हैरतअंगेज कहानी हमें कल ही पता चली है इनकी एलियन द्वारा की गई किडनैपिंग के वायरल वीडियो से। और आइज़ैक दावा करते हैं कि उन्हें किडनैप किया गया था और इस घटना के सबूत के तौर पर उनका ये वीडियो है। तो आइज़ैक, बताएंगे उस दिन आपके साथ क्या हुआ था? उस दिन मैं अपनी हाइक खत्म करने के बाद मैं वापस लौटने की तैयारी कर रहा था, तब मैंने राइट साइड में एक आवाज सुनी। मैंने उधर देखा तो मुझे झाड़ियों में से कुछ बाहर आते हुए दिखा और तभी मैंने देखा कि वो मुझे घूर रहा था। मैं बस वहां खड़ा रहा, मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था, मेरा बदन सुन पड़ चुका था, मैं बस उसे देख रहा था। तब सबसे पहले मुझे बस भागने का ही सूझा, तो बस मैं जितना तेज भाग सकता था मैं दूसरी दिशा में भागा और भागते वक्त मुझे एक मशीन की तेज आवाज सुनाई दी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। और तभी अचानक मेरे शरीर को जैसे एक झटका सा लगा, जैसे कार से टक्कर, और मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ हो रहा है लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था और कुछ देर बाद मैं बेहोश हो गया।
और जब मैं होश में आया तो मैंने अपने आप को कहीं और पाया। वाओ, तो आपको नहीं लगता कि ये एक इत्तेफाक था कि तब आपके पास एक कैमरा भी था? मेरा मतलब आप सारी घटना कैमरे में कैद भी कर पाए? नहीं, मैं तो पहले खुद की वीडियोस ही बना रहा था, तो ये कोइंसिडेंस। तो क्या हाइकिंग पर सब लोग ऐसा ही करते हैं? तो बताइए, आप खुद के वीडियोस क्यों बना रहे थे? मैं तो वो उस दिन मैंने ये हाल ही में शुरू किया है। ये मेरे लिए एक थेरेपी है। मैंने अपने आप पर एक एक्सपेरिमेंट किया। ये नॉर्मली लोग नहीं करते, लेकिन मैं करना चाहता था। इंटरेस्टिंग। तो आपके पास मैथमेटिक्स में बैचलर्स की डिग्री है और अभी आप JPL में एक कंप्यूटर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे हैं, है ना? तो ऐसा भी हो सकता है ना कि आपने खुद ही कंप्यूटर पे ये वीडियो बना लिया हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सच में मेरे साथ हुआ है, ये फेक नहीं है, ये सच में मेरे साथ हो चुका है। ओके, मेरा मतलब ये वाकई दिलचस्प कहानी है। हमारे शो पर आने के लिए शुक्रिया आइज़ैक। तो क्या ये कहानी एक सच्ची घटना हो सकती है या फिर एक फेक न्यूज़? फैसला आपका। हमारी वेबसाइट पर जाइए kfla.com/stories और बताइए आपकी राय। कट। हाँ, हो गया? जी, हो गया। बढ़िया। वेल, थैंक यू सो मच। चलिए सब लोग पैकअप करते हैं। अगली स्टोरी क्या है? स्क्रिप्ट कहाँ है? ये खबर रातों रात वायरल हो गई। कोई लड़का है जो एक वीडियो पोस्ट करके कहता है कि एलियंस ने उसे किडनैप कर लिया, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो बिल्कुल फेक है। सही कहा, ऐसे वीडियो बनाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये वीडियो हेडलाइन बन गया है क्योंकि ये वीडियो बहुत अच्छे से बना है। कुछ बातें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि इत्तेफाकन ये वीडियो ठीक उन दिनों आता है जब एक उल्कापिंड क्रैश हो जाती है। मुझे नहीं लगता कोई इंसान किसी भी तरीके से इस तरह के मूवमेंट पैटर्न बना सकता है। ये सही लग रहा है और हमने इस वीडियो को कई बार टेस्ट करके देखा है। ओ, बस बेकीजिए, इस केस में हम कैसे मान सकते हैं कि बस एक वीडियो ठोस सबूत का काम करेगा? ये बस एक बच्चा है जो फेमस होना चाहता है। आइज़ैक, क्या आप हमें इस घटना के बारे में कुछ बताना चाहोगे? बता सकते कि आपने क्या देखा? आप वहाँ पर कैमरा लेकर क्या कर रहे हैं? लोग आपको झूठा कह रहे हैं, ये सब सुनकर आपको कैसा लग रहा है? इस घटना के बारे में द नेशन वांट्स टू नो, प्लीज बताइए ना। आप मिलते हैं उनसे जिन्होंने आइज़ैक साइप्रस की वीडियो बनाने में मदद की। हाँ, हम एक दूसरे को कॉलेज के दिनों से जानते हैं। हमने कुछ ऐसे 3D प्रोग्राम्स पर काम किया था जिसमें हम एलियंस को रियल दिखा सकते थे। लोग अब जानना चाहते हैं हॉलीवुड के टॉप विजुअल इफेक्ट सुपरवाइजर से कि इस वीडियो के बारे में उनकी क्या राय है। ये वाकई में असली लग रहा है। मेरे हिसाब से अगर ये फेक है तो इसमें गजब का काम और बड़ी मेहनत की गई है। ये बहुत ही घटिया ग्राफिक है जो कि आप किसी सस्ते लैपटॉप में भी बना सकते हैं। इससे अच्छा एनिमेशन तो बच्चों की फिल्मों में होता है। एकदम फेक। चाहेंगे? हाँ, कॉफी, ब्लैक कॉफी प्लीज।
सारा हाय हाय क्या आप कुछ लेंगी नहीं अभी तो कुछ नहीं ठीक है आपको कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बताइए यहाँ आने के लिए थैंक्स जानता हूँ अजनबी से मिलना अजीब लगता है तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था है ना क्या जो तुम अपनी कलाई पर महसूस करती हो बिल्कुल नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा तो जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ नहीं हुआ पता नहीं तुम क्या कह रहे हो तुम्हारी कलाई के साथ जो हुआ मेरे साथ भी वही हुआ है मुझे तब पता चला जब मैंने ये देखो मैंने ये देखा था लेकिन क्या ये सच है क्या तुम हाँ, सच ये में सच है मैं जानता हूं इस पर कोई यकीन नहीं करेगा इसलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया क्या सच में ऐसा हो सकता है क्या तुमने ये सब पेंटिंग्स देखी हैं इसे 15th सेंचुरी में बनाया गया ध्यान से देखो ये कुछ बहुत पुराने सबूत हैं जो इसके होने को साबित करते हैं ये 1710 में बनाई गई थी एरिक डी गिल्डर ने अब देखो ऐसा लगता है वो हमारे साथ हमेशा से थे 1899 में निकोला टेस्ला ने कोलोराडो में अपने घर इस बड़े से रेडियो टावर को बनवाया था और उन्हें कुछ ऐसे सिग्नल मिले कुछ ऐसे नंबर्स के सीक्वेंस जिससे उन्हें यकीन हो चुका था कि एलियन सच में है और इन नंबर्स के जरिए हम एलियन से कम्युनिकेट कर सकते हैं 1927 में नॉर्वे के इंजीनियर योर्गन हॉस वो रेडियो सिग्नल्स पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे उनके भेजे गए सिग्नल्स का ट्रांसमिशन खत्म होने के कुछ सेकंड्स बाद उन्हें जवाबी सिग्नल मिलने लगे उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था 1969 में अपोलो 11 के एस्ट्रोनॉट बज एल्ड्रिन ने गुप्त तरीके से कहा था कि उन्होंने खिड़की के बाहर एक उड़न तश्तरी को देखा था जो उनके साथ साथ चल रही थी जिसका कोई पता नहीं चला 1977 में सिटी टेलीस्कोप ने एक अनजान सिग्नल को पकड़ा जिसमें इंटरस्टेलर ट्रांसमिशन की जानकारी थी लेकिन पता ही नहीं चला वो सिग्नल कहां से आया और किसने भेजा 1998 में नासा की स्पेस शटल द एंडेवर के एस्ट्रोनॉट्स ने इस काली चीज की तस्वीरें ली जो ठीक पृथ्वी के ऊपर उड़ रही थी मतलब वो यही थे तुम्हें 1979 के किडनैपिंग के बारे में पता है नहीं क्या हुआ था मुझे इसकी डिटेल्स निकालनी पड़ेगी पर इस आदमी को जंगल से किडनैप किया गया था अलास्का में वहाँ उसके साथ तीन लोग और भी थे जिन्होंने लाई डिटेक्टर टेस्ट पास की थी शायद उसका नाम काल या क्लार्क था मुझे चेक करना पड़ेगा हाँ लेकिन जब उसने ये स्टोरी रिवील की तब से वो गायब है इसकी सारी जानकारी मेरे कंप्यूटर में है ये रहा मेरा फोन नंबर और अगर तुम्हें पता नहीं बात करनी हो या कुछ भी ओके कूल अब मुझे जाना होगा बाय बाय
हेलो हेलो आइज़ैक। हाँ बोल रहा हूँ। हाय मैं सारा। ओ हाय, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। मुझे वो स्टोरी मिली जो मैं तुम्हें बता रही थी। उस आदमी का नाम कार्ल माइजनर है। उसका किडनैपिंग 1979 रैंकल अलास्का में हुआ था। वो और उसके तीन साथी अलास्का के जंगलों में पेड़ काट रहे थे किसी कस्बे से 30 मिनट की दूरी पर। क्या नाम बताया? कार्ल माइजनर। काम खत्म करने के बाद जब वो वापस जा रहे थे तब उन्होंने एक बड़ी सी उड़न तश्तरी देखी। उन्होंने देखा कि एक नीली रोशनी उन्हें ऊपर खींच रही थी। मुझे उसकी कोई इन्फॉर्मेशन दिखाई नहीं दे रही। मुझे ये जानकारी लाइब्रेरी से मिली, मुझे ऑनलाइन कुछ नहीं मिला। पेजेस मैंने स्कैन कर लिए। मुझे भेज सकती हो? ओके। वो स्टोरी भेज देना, मैं पढ़ लूंगा। ओके बाय। पता नहीं लेकिन कोई कैसे इस बात को सच मान सकता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इस लड़के का वीडियो इतना कैसे चला। और वक्त के साथ साथ जैसे हमें ये घटना हजम होती जाए। रुको मैं मदद करता हूं। हाँ थैंक यू। हाँ कोई दिक्कत नहीं। लगता है तुम बहुत काम कर रहे हो। ये तो बहुत सारे हैं। ऐसा लगता है जैसे मैंने तुम्हें कहीं तो देखा जरूर है। हाँ तुम तो वही हो ना जिसकी टीवी पर एलियंस वाली न्यूज चल रही है। हाँ चलो पहचान ही लिया तुम्हें। वो मैं ही हूँ। हाँ थैंक्स। अरे सुनो एक मिनट जरा बात करनी है। मुझे पता है तुम इस स्टोरी के चलते बहुत परेशान हो और मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो एक लेखक हूँ और मैं अपने ऑनलाइन ब्लॉग्स लिखता हूँ और मैं तुम्हारी कहानी को सबके सामने लाने में मदद कर सकता हूँ। मैंने देखा है मीडिया ने तुम्हारी इस कहानी को तोड़ा मरोड़ा है और ये गलत है। मुझे तुम्हारी कहानी के सच को बाहर लाने में खुशी होगी। कोई बात नहीं तुम सोच लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ सुनो मैं तुमको अपना कार्ड दे देता हूँ, ये लो और आराम से सोच के बताना। मुझे खुशी होगी। मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। मुझे तो इस वीडियो के सच होने का एक भी सही कारण नजर नहीं आता। अच्छा होगा लोग इसके बारे में सोचना छोड़ दें। ये केस बस एक इत्तफाक था। उसने पुलिस या किसी और को रिपोर्ट भी नहीं किया, बस उसने वीडियो बनाकर ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। उसके गायब हो जाने का भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, इसलिए इसको एक सच्ची घटना मानने का एक भी कारण नजर नहीं आता। जी हाँ मैंने अभी अभी चेक किया है। जी अभी तो हमारा स्टाफ बिजी है,
ऑल राइट ओके ठीक है गुड बाय हाय हाय मुझे मिलना है कीथ ओबरमैन ओबरमैन जी अपना नाम बताइए आइज़क साइप्रस हाय कीथ आपसे कोई आइज़क साइप्रस मिलने के लिए आए हैं हाँ ओके मैं उन्हें ऊपर ले आती हूँ ओके ओके मिस्टर साइप्रस मेरे साथ आइए ये रहा उनका कैबिन ओके थैंक यू आइज़क तुम्हें देखकर अच्छा लगा अंदर आ जाओ मुझे खुशी है तुमने यहाँ आने का फैसला लिया और प्लीज बैठ जाओ तो पता है ये मीडिया तुम्हारी स्टोरी के पीछे पागल हो चुकी है ना कभी सोचा था तुम्हारी ये टेप देखने के बाद तहलका मच जाएगा लेकिन उन्हें सबूत चाहिए उन्हें और कितने सबूत चाहिए पता है तुम्हारी कहानी को सब तक पहुंचाने का मेरे पास ना एक सॉलिड और दमदार तरीका है समझे ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन ये बताओ कि तुमने कभी लाई डिटेक्टर टेस्ट दिया लाई डिटेक्टर हाँ लाई डिटेक्टर एक तरह की पॉलीग्राफी टेस्ट देखो अगर तुम इस टेस्ट को पास कर लेते हो और फिर हम आर्टिकल पब्लिश करते हैं तो तुम्हारी इस बात को कोई झुठला नहीं सकता ओके ठीक है तो तुम टेस्ट दोगे यहाँ हाँ क्या आप ले सकते हो हाँ क्यों नहीं ये टेस्ट बहुत ही आसान है ये यहाँ पर लैपटॉप पर हो जाएगी हाँ तो तुम तैयार हो ओके बढ़िया बहुत बढ़िया ओके मैं बस अभी आया यहीं रुकना ओके चलो शुरू करते हैं तो हम ऐसा करेंगे कि हम एक लाई डिटेक्टर टेस्ट करेंगे जिससे हमारी बात को एक बेस मिल जाएगा और ये हमारे आर्टिकल का सबूत होगा इसके बाद हमारी बात को कोई नहीं झुठलाएगा देखते हैं मीडिया इस पर क्या तमाशा करती है ओके ये तुम्हें अपनी उंगलियों में पहनना है एक पहली उंगली में पहन लो और दूसरे को अपनी रिंग फिंगर में पहन लो तो अब मैं तुमसे कुछ सवालों के जवाब पूछूंगा और तुम उनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में दोगे ओके हमारे शुरू के सवाल आसान होंगे ताकि हम टेस्ट को कैलिब्रेट कर सके समझे ना ओके ओके पहला सवाल क्या तुम्हारा नाम आइज़क साइप्रस है हाँ ओके क्या आज का दिन फ्राइडे है हाँ क्या हम अभी लॉस एंजलिस में हाँ क्या तुम जो भी कहोगे सच कहोगे हाँ क्या तुम हाल ही में न्यूज में आए थे हाँ क्या तुम एक इंसान हो हाँ बढ़िया क्या तुम कभी घर से भागे हो हाँ तब मैं छोटा था मुझे बस हाँ या ना में जवाब चाहिए आइज़क हाँ क्या तुमने हाल ही में इंटरनेट पर एक वीडियो पोस्ट किया है हाँ क्या ये वीडियो तुम्हारे गायब होने का झूठा दावा पेश करता है नहीं ओके क्या तुम्हें याद है कि पिछले हफ्ते तुम वेंसडे 6 तारीख और थर्सडे 7 तारीख को किस जगह पर थे नहीं क्या कभी तुम्हारा सामना किसी एलियन से हुआ है हाँ एक मिनट रुको Captain Murphy.
मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे। मेरा नाम है एजेंट ग्रेव्स। हमने तुम्हें जबरदस्ती कैद किया है क्योंकि हमें लगता है तुम्हारे पास ऐसी जानकारी हो सकती है जो समाज के भविष्य के लिए जरूरी हो। तुम पहले नहीं हो जिसे हमने इस तरह से पकड़ा है। तुम्हारे जैसे कईयों को हम पहले भी पकड़ चुके हैं हमारे रिसर्च के लिए, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुम पर कुछ टेस्ट करने वाले हैं जिससे हम ये जान सके किस तरह से तुम्हारा उनके साथ सामना हुआ था। हम बस उम्मीद करते कि तुम हमारा इसमें साथ दो ताकि सब कुछ आसानी से हो जाए। ट्रैकिंग डिवाइस को सर्च करो। रोजर। ट्रैकिंग डिवाइस मौजूद है। ठीक है, टेस्ट वन सेट किया जाए। रोजर। आइज़ैक, मैं चाहता हूं तुम स्केल पर फोकस करो। कुछ मिला? अभी नहीं। ओके, अब टेस्ट नंबर टू। सारा कहाँ है? तुम्हें पानी पर फोकस करना है। हम कहाँ हैं? टेस्ट हो जाने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा। अब फोकस करो। ठीक है, अब टेस्ट थ्री। वो क्या था? निडल मूव करेगी जब कोई बाहरी इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। रूम खाली करो। तुम कॉल माइजनर के बारे में क्या जानते हो? मुझे नहीं पता ये कौन है। हमें पता है तुम कॉल को जानते हो, तो उसके बारे में जो जानते हो बताओ। सारा कहाँ है?
आज़ाद मैंने तुमसे कुछ पूछा तो प्लीज कॉमरेड करो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। हम कहाँ हैं? तुम्हें क्या लगता है हम ब्रिटिश कोलंबिया में यूं ही ढूंढते रहे जैसे अंधेरे में तिनका और अचानक वो सामने आ जाएगा? आइज़ैक, मैं दोबारा तुमसे नहीं पूछूंगा क्या तुम काल के साथ कांटेक्ट में हो? मुझे कहां लाया गया है? इस पर नजर रखो। इलाके की निगरानी के लिए मुझे एयर एंड लैंड व्हीकल्स चाहिए अभी। दोनों में एक ही ट्रैकिंग डिवाइसेस लगे हैं। शायद वो दोनों ब्रिटिश कोलंबिया की तरफ जा रहे हैं। हर हाल में उन्हें ट्रैक करना है। सबसे जरूरी है उनका पीछा करना। अगर वो मिल गए तो हमें काल भी मिल जाएगा। शायद यहां कुछ पता चल जाए। मैं यहां किसी से पूछता हूं। हेलो, ओला, क्या कोई है? यहां तो कोई भी नहीं है। हम कहां हैं? हम शायद कोस्टा रिका में हैं। कोस्टा रिका? कितने दिन गुजर चुके हैं? पता नहीं आज का दिन कौन सा है। ये एजेंट ग्रेव्स कौन था? कौन है ये आदमी? हमें काल से मिलना होगा। लेकिन कैसे? पता नहीं कैसे। कहीं से इंटरनेट मिल जाए तो शायद कुछ पता चले। हेलो, ओला। ओला, क्या यहाँ मुझे कोई इंटरनेट या कोई कंप्यूटर साइबर कैफे मिल सकता है? सी, अकिया यू नो इंगोल्फितो। हाँ, सी, इंगोल्फितो। इंगोल्फितो।
Se necesita ir a 2 kilómetros a directo. ¿Es raste? Ajá, that's way. Se llama Sotropo. Y aquí en Sotropo busquen a un señor que se llama Seth. Ek Zed naam ka aadmi. Ajá, en Seth. Es muy bueno el internet. ¿Usi raste? Ajá, that way. Thank you. Para servirles, un placer. हम ढूंढ रहे हैं जेड सेट सांग हमें से नंबर दीजिए थैंक यू तुम जेड हो ना तुम जेड हो हम कुछ जानकारी चाहते हैं और पिछले टाउन की एक लेडी ने तुम्हारा नाम बताया उसने कहा कि तुम मदद कर सकते हो तुम्हारा नाम क्या है मेरा नाम आइजैक है और यह है सारा तुम्हारा पूरा नाम आइजैक साइप्रस देखो मैं तुम्हें साफ बता देता हूं कि तुम्हें मेरे साथ पूरी तरह से ईमानदारी से रहना होगा और अगर तुमने मुझसे एक बार भी झूठ बोला तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तुम्हारा असली नाम क्या है मैं सच कह रहा हूं मेरा नाम आइजैक साइप्रस ही है ओके बैठ जाओ हम एक काल नाम के आदमी को ढूंढ रहे हैं ओ नो हमें निकलना होगा क्या हुआ वो आ गए हैं तो आईएसआरपी पुलिस तुम्हारे पीछे लगी है ना तुम जानते हो इन लोगों को हाँ ये इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च प्रोग्राम का हिस्सा है और ये एजेंसी यूएन के लिए काम करती है टॉप सीक्रेट है ये लोग यहाँ अंडरग्राउंड फैसिलिटी में खुफिया तरीके से रहते हैं इनके बारे में कोई भी नहीं जानता और आम लोग तो बिल्कुल भी नहीं तुम ये समझ लो कि मैं इनके नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकता हूँ ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं मैं खुद भी ये जानना चाहता हूँ उन्होंने हमें किडनैप किया था अच्छा इसीलिए तो मैं अपना कनेक्शन सीक्रेट रखता हूँ तो क्या तुम यही रहते हो मैं जगह बदलता रहता हूँ लेकिन यहाँ मैं करीब 6 महीने से हूँ कोस्टा रिका जैसी कोई जगह नहीं है ये जन्नत है लो हम आ गए वहां ऊपर वाह ध्यान से चढ़ना ओके तो उसका नाम काल है उसका लास्ट नेम क्या है माइजनर माइजनर कार्ल माइजनर हे हे घोड़े पर सवार हो शांत हो जाओ ठीक है ओके हमें यहाँ कोई नहीं ढूंढ पाएगा इसलिए थोड़ी देर चिल करो तब तक मैं सेटअप करता हूँ वाह ये वाकई में रहने के लिए कमाल की जगह है हाँ सही कहा कमाल की जगह है कैफे में मिलने से पहले मुझे पता था तुम कौन हो
टीवी पर तुम्हारी स्टोरी देखी थी, मुझे अपनी स्टोरी याद आ गई। तुमने कभी अपनी स्टोरी नहीं बताई। मैं उस बारे में किसी से बात नहीं करती। मैं अपने अंकल और आंटी के साथ पहाड़ पर एक कैबिन में रहती थी। उस शाम को अपने दोस्तों से मिलने गए तो मैं कैबिन में अकेली थी। मैं बहुत थक गई थी। एक झपकी लेने के लिए लेटने ही वाली थी कि एक आवाज सुनाई दी। पहले तो मुझे लगा जैसे कोई ट्रक आया हो, तो मैं बस देखने के लिए आगे बढ़ी। वो आवाज बंद हो गई, लेकिन खिड़की से बाहर मैंने आसमान में कुछ देखा। लगा कि एक एयरक्राफ्ट है जो वही रुका है। मुझे नहीं पता था कि वो क्या था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं सोने चली गई। और फिर उसके बाद जब मैं जागी तो सुबह के 2 बजे थे। मुझे लगा मैं शायद बहुत देर तक सोई थी। अजीब सा था सब, कुछ अलग महसूस हो रहा था। और अगली सुबह जब मैं मेरे अंकल आंटी से मिली, वो घबराए हुए थे। उन्होंने कहा मैं 2 दिनों से मिसिंग थी और रेस्क्यू टीम मेरी खोज में हर जगह घूम रही थी। मुझे याद नहीं मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन मैंने आसमान में एक अजीब सी चीज देखी थी। जब मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि कई लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है। लेकिन वही बात जब मैंने लोगों से कही तो वो मुझे पागल समझने लगे। मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है। तुमने क्या सोचकर वीडियो पोस्ट किया? मैंने सोचा कि पोस्ट करूंगा तो ज्यादा लोग देखेंगे और कोई तो विश्वास करेगा, लेकिन जो सोचा था सब उल्टा हो गया। हाँ, लोगों ने मेरे बारे में भी यही कहा। कहते थे मैं भाग गई, मुझे अटेंशन चाहिए था। हाँ, हम तो बस पागलों वाली एलियन कहानियां बताते हैं अटेंशन के लिए। क्योंकि हम अटेंशन के लिए मरे जा रहे हैं। हे, कैसा चल रहा है? पिछले 30 सालों से इस आदमी का कोई अता पता नहीं। ये जानता है कैसे छिपकर रहना है। तुम सही आदमी ढूंढ रहे हो? मुझे तो ऐसा ही लगता है। स्पेलिंग तो सही है ना? कहता है इसे यूएफओ ने किडनैप किया था। ये वही है। तुम्हें और क्या मिला? तुम नासा के लिए काम करते हो, तुम 3413 बेटिंगर वे में रहते हो, तुमने हाल ही में एक गाड़ी को ठोका है और तुम कुत्तों के स्टैचू से खेलते हो। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। अच्छा, जब वो काल के बारे में बात कर रहे थे तब उन्होंने ब्रिटिश कोलंबिया का जिक्र किया था। क्या उस आर्टिकल में कनाडा का कोई जिक्र था? नहीं, उसने बस अलास्का में किडनैपिंग की बात लिखी है। और तुमने सब चेक किया है? फोन डेटा, पोस्टल रिकॉर्ड और सब अच्छे से। एक मिनट, जेपीएल का सैटेलाइट एक्सेस करो। क्यों? करो, मैं बताता हूं। इसका क्या मतलब है? पता चल जाएगा। ये रहा, रुको। यही तो है। इन जीपीएस कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करो। यही है? ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा, जंगल के बीचों बीच, नजदीकी टाउन से 60 मील दूर। ये कोऑर्डिनेट्स तो यही इशारा कर रहे हैं। यहाँ का वाईफाई सिग्नल भी तेज है। बात हो सकती है? हाँ, मैं वीडियो कॉल लगाने की कोशिश करता हूँ, बस एक सेकंड दो। लग गया, तुम बात करो।
काल? काल माइज़ना? ये क्या हुआ? उसने काट दिया। ये वही है। फिर से कर सकते हो? हाँ, अगर उसका कंप्यूटर ऑन रहा तो दोबारा कॉल लगा सकता हूँ, लेकिन अगर उसने शटडाउन कर दिया तो समझो बात खत्म। ओके ओके, तो करो। काल, मैं हूँ आइज़ैक साइप्रस। मैं आपसे कांटेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि 7 दिन पहले मुझे किडनैप किया गया था। जब मेरी स्टोरी सामने आई तो किसी ने विश्वास नहीं किया। फिर मुझे जबरदस्ती कुछ खुफिया लोगों ने उठा लिया जो किसी खुफिया एजेंसी के लिए काम करते हैं। उनका कहना है वो लोग आपको जानते हैं। मुझे नहीं पता उनको क्या चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से वो अब भी मेरे पीछे पड़े हैं। इसलिए आप ही है जो मेरी मदद कर सकते हैं और बता सकते हैं ये सब क्या है। मैं पासाडेना कैलिफोर्निया की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में काम करता हूँ। कुछ महीनों पहले हमें इस कनाडा वाले रिमोट लोकेशन से हमारे एक सैटेलाइट पर ऑडियो सिग्नल्स मिले थे, और इसी तरह मैंने आपको ढूंढा। मैंने आपकी फ्रीक्वेंसी को इंटरसेप्ट किया और फिर हमारे एक सैटेलाइट से आगे भेजा, फ्रीक्वेंसी तो पता नहीं, और उसी रात मुझे वहां से वापस सिग्नल मिला। मुझे लगता है यही कारण हो सकता है। रुको, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें सिग्नल का जवाब मिला? हाँ। तुम मुझे वो डेटा अभी के अभी भेजो। ओके, हम उसे डाउनलोड करके आपके पास भेजते हैं। हम थोड़ी देर में फिर से ऑनलाइन होंगे। क्या हम फिर से नासा के सर्वर में घुस सकते हैं? ये वाला? हाँ। उन्हें ये डेटा क्यों चाहिए? असल में मैं पहले तो इसे ग्लिच या एक सैटेलाइट की गलती समझ रहा था जिसे हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन फिर मुझे लगा कुछ काम का कोड हो सकता है। जैसे क्या? जैसे उनका जवाब। देखो, लगता है डाउनलोड हो गया। हाँ, हो तो गया। तो उसे डेटा भेज दे। हाय काल, हमने सिग्नल डाउनलोड कर लिया है। इसको भेजना जरा। चेक कीजिए, हमने भेज दिया। सब लोग छुप के रहो, ये एजेंसी तुम लोगों को ढूंढे बिना नहीं रहेगी। अपने सारे फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद रखना, किसी से कोई बात मत करना। ओके, गुड लक। एक मिनट काल, उसने लॉग आउट कर दिया। हमें फिर से उनसे जुड़ना होगा। कर सकते हो? ना, उसने शट डाउन कर दिया, नहीं होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं? हमें कनाडा जाकर काल को ढूंढना होगा। जब वो आएंगे तब हमें वही होना चाहिए। क्या? हमें पता है काल कहाँ है और वो लोग 5 दिनों में आ रहे हैं। नहीं, ये सही आइडिया नहीं है। वहाँ कुछ भी हो सकता है। अब वही हमारी हेल्प कर सकते हैं। अगर उनसे हेल्प नहीं मांगनी तो क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? नहीं, मैं उस एहसास से दोबारा नहीं गुजरना चाहती। प्लीज सारा, तुम्हारी तरह मैं भी परेशान हूँ। ना कुछ खा पाता हूँ, ना सो पाता हूँ। वही ख्याल मुझे सताते हैं। मैं समझ सकता हूँ तुम पर क्या गुजर रही है। अब मैं रुक नहीं सकता। मेरे मन में कई सवाल हैं और मैं जितना उनके बारे में सोच रहा हूँ वो मुझ पर हावी होते जा रहे हैं। इसलिए मुझे इस भंवर से बाहर निकलना है। मैं अब रुक नहीं सकता। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। दोगी ना साथ? ओके। मैं भी साथ दूं?
गाइस, जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो मैं बात करूँगा। आदमी तो ठीक ठाक है लेकिन वो मेरा कर्जदार है, लेकिन उसके बारे में जितना कम जानो उतना अच्छा है। वो हमारी तरफ देख रहा है, उसे मत देखो। चलो बात दूंगे। अपनी कुर्सी की पेटी बांध दो, तुम्हें छटके लगने वाले हैं। होजे एक अच्छा पायलट है, इसने फ्लाइंग यूट्यूब से सीखा है लॉकडाउन में। अगला स्टॉप ब्रिटिश कोलंबिया। वो पैसिफिक ओशन के ऊपर है और अब कनाडा जा रहे हैं। नॉर्थ की सभी यूनिट्स खोज में लग जाओ, EO-175 और IO-174 की। ये दोनों अभी शहरी इलाके की तरफ बढ़ रहे हैं। सभी एजेंट्स और एंड्रॉइड्स को ये ऑर्डर है। हम ट्रैक कर पा रहे हैं प्राइमरी सब्जेक्ट IO-35 को। मेरे ऑर्डर का इंतजार करो। ओवर। कुछ मिला क्या? हाँ, एक ट्रेन है जो उसके सबसे नजदीकी टाउन तक जाती है। उसके कैबिन से 30 मील दूर, इससे ज्यादा नजदीक कुछ नहीं जाता। चलो चले। हाँ, अभी वैसे तो ठीक लग रहा है, लेकिन जब मैं मुट्ठी बंद करके हाथ मोड़ता हूँ तब मुझे लगता है हाथ में कुछ है। हाँ। ये अंगूठी तुम्हें किसने दी? मेरे अंकल मेरे लिए लाए थे। वो मुझे बेटी मानते थे। वो चाहते थे मैं एक बात याद रखूं कि चाहे मेरे हालात जैसे भी हो, वो हमेशा मुझसे प्यार करेंगे। ये मुझे याद दिलाती है ताकि मैं भूल ना जाऊं। वहाँ से रॉकेट लॉन्च नहीं किया जा सकता, इसमें सालों लगते हैं। तुम सच में एक रॉकेट साइंटिस्ट हो। सैटेलाइट पे काम करना है तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। तुम बहुत पढ़ाकू हो। नहीं, अब वैसा भी नहीं है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में फोकस के साथ एक्यूरेट कैलकुलेशन की जरूरत होती है। आपका मैथ अच्छा होना चाहिए। हाँ, मैं थोड़ा पढ़ाकू हूँ। हाँ। लेकिन उतना भी नहीं। अरे नहीं, क्या हुआ? वो हमारा पीछा कर रहे हैं। क्या? ISRP पुलिस हमें ट्रैक कर रही है। ये लो, इसे पहन लो। ये क्या है? एंड्रॉइड्स हमें चेहरे से पहचानते हैं। अगर हमने ये मास्क पहन लिया तो उनके कैमरास कंफ्यूज हो जाएंगे।
मुझे नहीं लगता इससे बात बनेगी। हिलना मत। चलो 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 यहां से भागो, जल्दी आओ, हमें ऊपर चढ़ना होगा। सब्जेक्ट को पहचान नहीं पा रहे हैं। थैंक्स। तो ये कौन हो तुम? कल मैं हूँ आइज़ैक। तुमसे वीडियो पर बात की थी, मैंने ही तुम्हें सिग्नल भेजे। ये दोनों कौन है? यह सारा, इसे भी किडनैप किया गया था। यह जेड, इसकी मदद से आपसे कांटेक्ट हुआ था। तुम पर कोई ट्रैकिंग डिवाइस लगा है? आपका क्या मतलब है? क्या तुम्हारा कोई पीछा कर रहा है? नहीं, बस हम लोग हैं। क्या कोई दिक्कत है? रुकिए, क्या करें अब? ये क्या है? और कौन है? ये क्या है? तुम भी। वो ऑफलाइन हो गए, किसी ने उन्हें डीएक्टिवेट कर दिया। ट्रैकिंग डिवाइसेस तुम्हारे हाथों में लगे हैं, एजेंट्स ने नहीं लगाए, ये उनका काम है। तुम लोग जल्दी पहुंच गए हो, वो दो दिन बाद आएंगे।
आईएसआरपी पुलिस से बच निकलने के बाद मुझे कोई तरीका ढूंढना था ऊपर वालों से जुड़ने का। मुझे पता था रिसर्च फैसिलिटी वही करती है जो मैं करना चाहता था, तो मैंने उनके कुछ उपकरण खरीद लिए। मैं ये सब चीजें जमा कर रहा हूं पिछले 20 सालों से। मेरे कुछ शुरुआती टेस्ट से मैं कुछ सिग्नल और अजीब आवाजें भी पकड़ पाया, आवाजें जो समझ नहीं आती। मुझे जो मिला वो बेशकीमती था। फिर साल दर साल काम करके मैंने उन सारे सिग्नल्स को बदल दिया, पहले आवाज में, फिर आवाज को भाषा में। ये कुछ चीजें मैंने पकड़ी थी। जिसका फिर हमारी भाषा में ये मतलब है, हम सौर मंडल की तरफ बढ़ रहे हैं, हम पृथ्वी की परिक्रमा में हैं, हमें इंसानों के होने के सबूत मिले हैं, वापस लौट रहे हैं। ये कुछ आवाजें मेरे पास हैं और कुछ पर मैं काम कर रहा हूं, लेकिन जो सिग्नल तुमने मुझे भेजा था वो सबसे ज्यादा स्पष्ट मिला। पहली बार मुझे उनकी तरफ से जवाब मिला। मैं सालों से उनसे जुड़ने की कोशिश में हूं। अगर आप उन लोगों से सीधे ऑडियो सिग्नल ले पा रहे हैं, अगर आप फिर उन लोगों से कांटेक्ट कर पाए तो। हाँ, तुम एलियन से बात कर पाओगे अंकल? हाँ। तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपके साथ क्या हुआ था? मेरा मतलब कैसे आप? कैसे मेरी किडनैपिंग हुई? उसे बहुत वक्त हो गया। उस दिन थर्सडे था, 1979, 7 नवंबर। दिन ढलने लगा था। अलास्का के घने जंगलों में हम लकड़ी काट रहे थे। दिन ढलते ही हमने गाड़ी में सामान पैक कर लिया और शहर की ओर जाने लगे। मेरे 3 साथी हैस्कल भाई अपने गाड़ी में बैठकर मेरे आगे चल रहे थे और मैं अपनी गाड़ी में उनके पीछे था। एक तेज नीली रोशनी ऊपर से आई, उन तीनों भाइयों के गाड़ी पर गिरी। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। मैंने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं जंगल की तरफ भागा, तभी वो तेज रोशनी मुझ पर आकर गिरी। ऐसा लगा जैसे मुझ पर कोई पहाड़ गिर गया हो। मेरा बदन जैसे सुन्न पड़ गया, जैसे लकवा मार गया हो। मैंने हाथ पांव मारने की पूरी कोशिश की लेकिन हिल भी नहीं पाया। मेरा शरीर पूरी तरह सुन्न था, एकदम बेजान। मैं हवा में तैर रहा था। बस आखिरी घटना यही याद है। ये कैसी आवाज है? शायद बादलों की आवाज है। ये चलता है? हाँ बिल्कुल, ये पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का रिकॉर्ड प्लेयर है। वाओ। चला दूं? हाँ क्यों नहीं।
फैसिलिटी कंट्रोल को उनकी आखिरी लोकेशन दे दो। मैं एजेंट ग्रेव्स बोल रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से सुने। सभी यूनिट्स डिस्पैच की तैयारी करें। सब्जेक्ट IO35 को पकड़ने का वारंट जारी किया गया है। फैसिलिटी कंट्रोल को कोऑर्डिनेट्स भेजे जा चुके हैं। हम लोकेशन पर थर्सडे शाम 4 बजे अटैक करेंगे। सभी फोर्सेस तैयार रहें। जानते हो ये चीज क्या है अंकल? तुम्हारे पास तो एवलॉन VT737SP है। डेविड बोवी ने इसका इस्तेमाल किया है। तुमने रेडियो सिग्नल्स को डिक्रिप्ट कैसे किया? शॉर्टवेव रेडियो स्कैनर की मदद से या USRP डिवाइस? उसी से किया है। ये ओपन सोर्स है तो इससे बहुत कुछ किया जा सकता है। ये रिसीवर और ट्रांसमीटर का काम करता है। ये सारे आपस में कनेक्टेड है। इस तरह ये लंबी दूरी के लो रेट कॉम्प्लेक्स रेडियो सिग्नल्स को आसानी से पकड़ सकता है। और तुमने खुद ब खुद सीखा? हाँ बिल्कुल। तुम तो पेड़ काटते थे ना? तो क्या हुआ? जैसे बिरजू कारपेंटर? हाँ मस्त है। वो कहते हैं ना, अगर चाह हो तो राह निकल ही आती है। क्या ये बटन दबा सकता हूं? नहीं। ओके। क्या तुम्हें डर लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पहले डरता था। ये डर और भी बढ़ता है जब इसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, लेकिन अब मैंने इस पर काबू कर लिया है। अपने डर पर जीत हासिल कर ली। याद है उस फैसिलिटी में क्या हुआ था? किस तरह तुमने मुझे उस रूम से निकाला और कैसे हम उस दरवाजे से भाग निकले? हम दोनों में जरूर कुछ बदल गया है। मैं तो बिल्कुल बदल गई हूं। तुम्हें लगता है वो लोग सही है? वो एजेंट्स कहीं ऐसा तो नहीं कि उस हादसे ने हमें बदल दिया है? पता नहीं, शायद। मुझे भी ऐसा ही लगता है। कुछ तो बदल गया है, यकीनन बदल गया है। और फिर जब काल ने वो सब बताया, समय का रुक सा जाना या हम सबका एक साथ कनेक्टेड होना, मुझे तो सच में ऐसा महसूस होता है कि मेरे साथ कुछ तो गलत हुआ है। पर ये कौन बताएगा? सही कहा। शायद उन लोगों के पास जवाब हो। यहां से आओ। अरे ये मुझे वापस दो। नहीं। ये कुछ नहीं था। तुम पागल हो। हाँ मैं जानता हूँ। कल जो भी होगा तुम उसके लिए तैयार रहना।
कुछ भी हो सकता है, समझो किसी की भी बचने की कोई गारंटी नहीं। जानता हूं, इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा। जब वो आएंगे हमारे पास एक ही मौका होगा, इसलिए मुझे तुमसे एक प्लान डिस्कस करना है। आइज़क, तुम सोई नहीं अब तक? नींद नहीं आ रही, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। सच कहूं मैं पहले इतना बिल्कुल नहीं सोचती थी। बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। हमारे साथ जो भी हुआ बहुत अजीब था, सपने जैसा लगता है। सही कहा। क्या तुम ये मानती हो कि हर चीज की कोई वजह होती है, या सब बस बेवजह होता है जिसका कोई मतलब या कोई कारण नहीं होता? कितनी अजीब बात है, लाइफ कैसे लोगों को मिला देती है। हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे। हमारा मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन मैं कई बार ऐसा सोचता हूं। फिर भी मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिला जो मुझे समझ सकती है। मुझे भी। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हुआ? तुमने कुछ महसूस किया? तुमने वो महसूस किया? वो करीब है। आइज़क, आइज़क रुको। ये कहां जा रहा है? बचाओ आइज़क। उसे जाने दो। तो तुम चाहते क्या हो? तुमने हमें किडनैप क्यों किया?
हमने वैज्ञानिक, औपचारिक, तकनीकी और भौतिक दुनिया में सफलता हासिल की है। अब हम उस सबसे महान चीज की खोज में है जो हमारी समझ के बाहर है। हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पता चला, जो अस्तित्व की सोची गई सबसे बड़ी खोज है। हमें क्यों? मेरा मतलब, हमें क्यों चुना? हमने इंसानों को इसलिए चुना क्योंकि उनके चारों ओर हमें एक अलौकिक शक्ति का आभास हुआ। हम तुमसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। इनके बारे में क्यों जानना चाहते हो? वो हर उत्पत्ति के पीछे की कड़ी है। हमारी जानकारी के हिसाब से वो सबसे महान व्यक्ति है जिनकी अलौकिक शक्ति हमें इंसानों के इर्द गिर्द दिखती है। ये किसकी बात कर रहा है? जीसस। हमें हमारे सवाल का जवाब मिल गया। क्या तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए? हमारे हाथों में दर्द क्यों है? जब से हम किडनैप हुए हैं तब से हमारे हाथों में दर्द है। हमें ट्रैक कर लिया है, हम घिर चुके हैं। कौन? सामने वाले दरवाजे से बाहर आओ प्लीज। तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, बाहर आ जाओ। Gone! Gone!
मामला खींचने का कोई मतलब नहीं है। मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि क्या हुआ था रोनल्ड ग्रेव्स के साथ। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं कि तुम बाहर आ जाओ और इस बारे में बात करो। तो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे पास बाहर आने के लिए सिर्फ एक मिनट है। विलियम, अपने आदमियों को लेकर यहां से दफा हो जाओ। मैं पहले भी बता चुका हूं, मुझे पता नहीं कि तुम्हारे पिता के साथ क्या हुआ था। मैं सब कुछ पहले भी सुन चुका हूं, तो प्लीज कुछ नया बताओ। तुम्हारे जवाब किसी के पास नहीं, किसी ने नहीं देखा क्या हुआ था। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। झूठ, तुम जानते हो उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि तुम्हारे सिवाय और कोई भी जिंदा नहीं बचा। वो वापस क्यों नहीं आए? हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। हादसे के वक्त सब लोग गाड़ी में ही थे। कॉल, तब मैंने आखिरी बार देखा था तुम्हारे पिता को। तुम्हारा परिवार, तुम इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं हो तो मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तुम झूठ कह रहे हो। उड़ा दो। कॉल, नहीं सारा। अरे नहीं, दोबारा मिलकर अच्छा लगा। कॉल सारा, वहां खतरा है, जल्दी अंदर आ जाओ। कॉल सारा, मैंने कहा अंदर आ जाओ। बात ना मानने का नतीजा देख लिया ना, तुम्हारा भी यही हाल होगा। तुम बहुत बुरे हो सारा। उड़ा दो इसे भी। सारा चलो जल्दी करो। आइज़ैक, तुम्हारा भी यही हाल होगा अगर तुम बाहर नहीं आए। वैसे तुम्हारा प्लान फेल हो चुका है। आइज़ैक, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो, जान लगाओ। When the stars come out tonight, suspending time, put your hand in mine. Fire! Oh, step into the dark.
जिस तरह से उस दिन हम वहां से बचकर निकले वो कोई ऐसी घटना नहीं थी जो किसी आम आदमी के समझ में आ सके। मैं खुद भी समझना चाहता हूँ। वैसे सारा ने सही कहा था, हम दोनों में कुछ तो बदला है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ये सब होने के बाद आखिरकार मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। कभी तुम्हारी हड्डियां टूटी है? टूटी है हाँ। अच्छा? कौन सी? हम वहाँ से दूर निकल गए। क्या हुआ था? गिर गए थे? और एक नॉर्मल लाइफ जीने लगे। मेरा मतलब इतना भी नॉर्मल नहीं कि वो बोरिंग लगे। जेड और काल ने टीम बना ली, अब वो जूमा के लिए काम करते हैं, एक अंडरग्राउंड टेक इंटेलिजेंस एजेंसी। उन्हें किसी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, वो अपने काम में खुश है और जल्द ही अपनी खुद की एजेंसी खोलने वाले हैं। हमें ग्रेव पॉइंट से पता चला कि एजेंट ग्रेव्स को उसके पद से हटा दिया गया। बेशक उसने अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया था। पता नहीं इसे कौन देखेगा, लेकिन ये मेरी कहानी है। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।
We'll be right back.